रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। दोस्तों क्या आपको पता है धरती पे कितना प्रतिशत जल है? 75% वाटर है। यहाँ पे क्या है? 75% वाटर है, जिसमें से कितने प्रतिशत पानी हम यूज कर सकते हैं? 3%। कितने प्रतिशत? 3%, मतलब 3% वाटर केवल हम लोग यूज कर सकते हैं 75 का। आपको पता है उस 3% में हम कितना परसेंट यूज करते हैं? 70% पानी हमारा लिक्विड हो जाता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है, सिर्फ 30% पानी हम उसका यूज करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो 1% से कम पानी हम पूरे धरती का यूज करते हैं, और उसमें सिर्फ हम नहीं, पूरे 7 करोड़ से अधिक पूरी की पूरी जनसंख्या जो धरती पर रहती है, और उसके साथ ही साथ जितने जीव जंतु रहते हैं, ये सब मिला के 1% से कम पानी पीते हैं। दोस्तों वैसे तो इंडिया में पानी की कमी नहीं है, हमारे वंदे मातरम में भी हमें बोल बताया गया है सुजलाम सुफलाम, मीन्स फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ मानसून। हमारा जो देश है मानसून से भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी की क्राइसिस तो नहीं है, ऐसा भी हमें बताया गया है। लेकिन कुछ समस्याएं कुछ दिनों में देखी जा रही हैं और आगे भी होने वाली हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या समस्या है और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, जो हमारी तरफ से मुझे जो लगता है और जो कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें तो हर जगह पे आज के टाइम में, मध्य प्रदेश में मैंने देखा, कर्नाटक में मैंने देखा, तमिलनाडु में मैंने देखा, लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। क्या आपको पता है बेंगलोर में ऐसी जगह है, बेंगलोर एक बड़ी सिटी है, आपको पता है वहां पे 4 से 5 दिन में एक बार पानी आता है। शायद आप इस चीज से अवगत नहीं होंगे कि उस्मान नगर में, लातूर में और ऐसी कई महाराष्ट्र की जगह है जहां पे हर दिन टैंकर आते हैं और टैंकर पे ऐसी भीड़ लगती है कि महीने में 1-2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हमारी जो ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है ये कुछ भी हमें दिखाती नहीं। इनको देख के तो लगता है पूरा देश बहुत ही अच्छे से चल रहा है। दोस्तों आप बोलोगे कि सर आप बात कर रहे हैं पानी की क्राइसिस की और हर जगह पे पानी भरा हुआ है, अभी केरला में फ्लड आया और अभी बिहार में फ्लड आया। हाँ जी फ्लड तो आया, लेकिन वो कुछ इसी तरीके से था कि जेब में पैसे तो रखा था लेकिन जेब में छेद था और एक भी पैसा आपके जेब में बचा नहीं, सब चला गया। अभी मैं बताऊंगा ये चीज कैसे यहाँ पे प्रूफ होती है। दोस्तों दूसरी चीज मैंने देखा, कई ऐसी नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ऐसी नदियां हैं, अगर इन 4 नदियों में सही तरीके से पानी रहे तो मुझे लगता है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए पानी पर्याप्त है। लेकिन आपको क्या पता है यमुना जैसे रिवर का आज हाल क्या है? यमुना जो कि 1400 किलोमीटर में फैली थी और आज 800 किलोमीटर में मर सी गई है। सीधे सीधे ऑन पेपर प्रूफ कर दिया गया कि 600 किलोमीटर में तो बिल्कुल ही पानी छूने लायक नहीं है, जिसमें दिल्ली, मथुरा ऐसी जगह है, आगरा, इनमें अगर आपने यमुना के पानी को टच किया तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। हम कहते हैं कि हम प्रकृति की सेवा करेंगे, और इस तरीके से क्या सेवा करेंगे, हम प्रकृति की इस तरह से सेवा कर रहे हैं, जहां देखो वहां कोई नया प्रोजेक्ट लगना है पास कर दो। मैंने अभी देखा कई लोग तो 99% प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट को काट के बनाए जा सकते हैं उनको अप्रूवल दिया जा रहा है, जो कि हम सबसे बड़ी समस्या की वजह है। दिल्ली में आज से कुछ साल पहले दिल्ली में आपको पता होना चाहिए 800 से ज्यादा तालाब थे, आज दिल्ली में आपको एक भी तालाब नहीं मिलेगा। जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि आज के टाइम में दिल्ली में जहां पे कुछ दिनों से थोड़ी सी समस्या खत्म हुई है, कुछ वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है काफी सहयोग कर रही है, पर अभी तक जो हालात थे कि लोग मना करते थे गेस्ट को कि प्लीज अभी मत आइए हमारे जगह, यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी की कमी है, अभी हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, इस तरीके से लोग गेस्ट को मना करते थे। दोस्तों पानी जो है अगर उसको हम लोग रोकेंगे नहीं तो इसी तरीके की समस्या आएगी। अभी हमें अगर बात करूं कुछ नदियां ऐसी हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा लोगों ने प्रोजेक्ट भी किया, जैसे कि मैं बात करूं गंगा रिवर की, जिसके लिए
मौजूदा गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, ऑन पेपर मैंने बहुत कुछ देखा है, नमामि गंगे, गंगा स्वच्छता अभियान, इस तरीके कई ढेर सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं कुंभ नगरी का निवासी हूँ, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, मैंने बहुत ही पास से देखा है किस तरीके से प्रोजेक्ट बन रहा है ऑन पेपर और रियल में रियलिटी कैसी है उसकी। ये कुछ उसी तरीके से है कि घर में सफाई चाहिए तो लोगों ने ड्राइंग रूम को साफ कर रखा है, रेस्ट ऑफ रूम जिसमें कोई नहीं जाता, जहां पे अंदर कोई नहीं देख रहा है, वहां जैसा था वैसा ही कूड़ा घर बना हुआ है। सिर्फ ड्राइंग रूम को साफ करके हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रूम की गंदगी खत्म हो गई है। दोस्तों, अब मैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी छोटी सी पहल, मेरी छोटी सी पहल शायद इस एनवायरमेंट को साफ कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहला ये है कि हमें खुद से जिम्मेदार होना पड़ेगा। कम से कम एक पेड़ अगर हम गांव में रहते हैं, मैं नहीं कहता शहर वाले ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अगर हम गांव में रहते हैं तो कम से कम एक पेड़ अपने नाम से लगा सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपने ही कॉलोनी में छोटा सा रेन हॉर्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, जो कि मुंबई में मैंने देखा बहुत ढेर सारे लोग लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूं और ढेर सारे लोग इसको अगर अपनी अपनी कॉलोनी में थोड़े थोड़े पैसे डोनेट करके अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। दूसरा, दोस्तों, सबसे अच्छा सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी रिवर है आज के टाइम में कावेरी रिवर के लिए सदगुरु जी बहुत ही अच्छा पहल कर रहे हैं। वो ढेर सारे रिवर आपके पता होना चाहिए, जो कावेरी रिवर है 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो उनका संकल्प है कि हम 1/3 प्लेस पे यहाँ पे ट्रीज लगाएंगे किनारे किनारे नदियों के, जिसके लिए वो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 242 CR मतलब 242 करोड़ पेड़ लगाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा मुहिम उन्होंने चलाया जिसके लिए सब लोग सहयोग दे रहे हैं, और बहुत ही छोटा सा सहयोग है, सिर्फ 42 रुपीज में एक पेड़ लगाने का वादा है। तो काफी लोगों ने उनका सहयोग दिया और ये मुहिम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी समाज के लिए थोड़ी सी सहयोग कर सकता हूँ, तो मैंने भी कुछ पेड़ के सहयोग किए। अब मैं चाहता हूँ शायद आप लोग भी थोड़े थोड़े डोनेट करना चाहते होंगे, आपके मन में होता होगा कि मैं ट्रीज तो लगाऊं बट कहां लगाऊं, सिटी में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ कावेरी रिवर के लिए, अगर आप डोनेट करेंगे, सिर्फ 42 रुपीज, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो शायद हम उनके पहल के थ्रू कावेरी को साफ कर लें। 4 में से अगर एक नदी साफ हो गई तो क्या पता हम में से या आप में से कोई एक उसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझ के दूसरे नदी के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, गंगा के लिए काम करना स्टार्ट कर दे या यमुना के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, तो शायद इस तरीके से हम बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो प्रकृति ने हमें जो ये धरती दिया है ना, धरती के गुल्लक की तरह है, अगर इस गुल्लक पे अगर जो पानी आ रहा है उस पानी को हम स्टोर कर ले, बस स्टोर अगर कर ले तो हमें कहीं पे भी पानी की समस्या नहीं आएगी। बट समस्या ये है कि हम स्टोर नहीं कर पा रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे धरती जो जहाँ पे हम लैंड पे जो हम लोग खेती करते हैं वो 80% लैंड है। टोटल अगर हम बात करें तो कितने परसेंट इंडिया के कितने परसेंट जगहों पे या कितने जगहों पे हम लोग खेती कर सकते हैं, 16,000 हेक्टेयर मतलब 16,000 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसपे हम खेती कर रहे हैं। उसमें से 10.4 CR हेक्टेयर हमारी मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, जो कि बहुत ही जल्दी अगर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो शायद वो लैंड उस तरीके से उपजाऊ नहीं रह पाएगी। और 130 करोड़ जनता के लिए अगर हम खाने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं कि हमें कितना समस्या आएगी। पानी की समस्या नहीं है, पानी आ रहा है, नेचुरल पानी आ रहा है, समस्या है जमीन की जिसमें वो उर्वरक नहीं है जिसकी वजह से पानी स्टोर हो सके। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अगर जो भी हमारी लैंड है उसका 1/3% पेड़ की छाव के नीचे हो तो जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं इसका 7-8 times ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे डैम्स तो इतने ढेर सारे हैं। हाँ जी, डैम्स तो हैं, हमने डैम्स बनाए थे। क्या आपको पता है 900+ डैम्स अमेरिका ने अभी बंद कर रखा है। हम ये नहीं कहते हमारे डैम्स को रोकने की जरूरत है या बंद करने की जरूरत है, जो बने हैं बहुत अच्छी बात है, बट अगर हम अपने लैंड को ही डैम बना दें
लैंड पे ट्रीज लगा के पानी को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये गुल्लक यार एक्चुअली गुल्लक किसने दिया? प्रकृति ने तो दिया है हमको ये गुल्लक, जब वो दिया है और उसी का वाटर है तो उसी के पास स्टोर करें ना। तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी नए डैम की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन इसका बस इतना हो सकता है कि अगर हमें ढेर सारा प्योर वाटर पाना है तो अच्छे तरीके से एक पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, तो अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है, या तो आप हो सके तो एक पेड़ लगा दीजिए अपने नाम का, अपने गांव में जहां पे भी आपके पास पॉसिबल है। अगर नहीं है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं अपने कॉलोनी में, अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो अपने कॉलोनी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। मैं एक वीडियो में डीप में समझाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो आप करना और बताना कि मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट किस तरीके से लगाते हैं, पूरा डीप में मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों भी नहीं हो सकता तो सदगुरु की मुहिम कावेरी कॉलिंग बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिसमें सिर्फ 42 रुपीज में हम एक पेड़ अपने नाम का लगा सकते हैं। वो लोग 83,000 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में 1/3 लैंड पे किसानों को पैसे देके ट्रीज लगवा रहे हैं, और वो ट्री ऐसे ट्री हैं जिनसे हम फल भी ले सकते हैं, जिससे किसानों के आय का भी स्रोत हो जाए, और वो एक बार अगर हो गया तो आगे भी लाइफ टाइम ये वो खुद ही किसान लोग खुद ही एक पेड़ को लगा के दूसरे पेड़ को फिर दूसरे पेड़ को लगा के अपने आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये मुहिम सिर्फ एक बार की है। वैसे अगर मैं बात करूं वहां की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट बहुत ही साथ दे रही है, उन्होंने 2 करोड़ पेड़ का दान किया है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी उनको बहुत साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है, और हम लोग की जो जनता है ये भी बहुत ज़्यादा साथ दे रही है उनकी। अब जरूरत है हम लोगों को भी कुछ करने की, तो अगर हम लोग भी कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आपको अभी पता चला होगा कुछ दिन पहले न्यूज आई कहाँ वाटर लेवल 80 फीट पे था, और आज वाटर लेवल 340 फीट पे आ चुका है। आपको पता है कई जगहों पे पानी में आर्सेनिक मिल रहे हैं, फ्लोराइड मिल रहा है, उसका रिजल्टेंट आपको अच्छे से पता है कि हमारे हेल्थ के साथ क्या होगा। सो इन सब चीज से बचने के लिए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सेफ रखने के लिए, मुझे लगता है कोई वॉर न हो तो ऐसा डोनेशन करके, छोटा सा सहयोग करके अपने राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।